नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इमली की चटनी कैसे बनती है। जी हाँ, इमली की चटनी बनाने के लिए आपको पहले इमली लेनी पड़ेगी। वो आप बाजार से खरीद के ला सकते हैं, और अगर किसी के यहाँ पेड़ लग रहा हो तो भाई अपने पेड़ से तोड़ लो। इमली की चटनी लीजिए और उसको तकरीबन एक गिलास पानी में अच्छे से बर्तन के अंदर आप भिगो दीजिएगा। तकरीबन 5-7-10 मिनट भीग जाएगी। जब वो भीग जाए अच्छे से, उसको साफ करके अच्छे से आपने उस पानी में भिगोया, और भीगने के बाद फिर आप उसको हाथों से, हाथ को पहले साफ कर लीजिएगा, हाथ आपके गंदे ना हो, ये बहुत जरूरी है। और अगर आप दस्ताना पहनते हैं तो और अच्छी बात है। और उसके बाद आप उसको क्रश कीजिएगा, मैश कीजिएगा पूरे उस गुठलियों को, और उसमें से गुठलियां जो है आप निकाल दीजिएगा और गुदा और वो उसको अच्छे से मैश करते रहिएगा। देन उसके बाद जब वो पूरा मटेरियल बन जाए, एक छलनी लीजिएगा अच्छी सी साफ सुथरी छलनी, और उस छलनी में एक बर्तन के ऊपर उस छलनी को रख के और उस मटेरियल को उसमें डालिएगा, और एक चम्मच से धीरे 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 करिएगा, और वो जो मटेरियल जो इमली है, साफ सुथरी इमली का जो लिक्विड है, वो धीरे धीरे उस बर्तन में आ जाएगा, और जो बेकार गूदा है वो साइड में रख दीजिएगा, उसको फेंक दीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन ये जो गूदा जो नीचे मटेरियल आपका बचता है उसको छलनी को एक किनारे रख के उस मटेरियल के अंदर आप हल्की सी लाल मिर्च डालिए, हल्का सा काला नमक डालिए, हल्का सा जीरा डालिए। जी हाँ, ये तीनों चीज डाल दीजिएगा। और अगर आपके पास अजवाइन है तो थोड़ी सी अजवाइन पीस के डाल दीजिएगा। ये चारों चीज डालने के बाद जीरे को भी पीस लीजिएगा, भून के पीस लीजिएगा। अब ये डाल दीजिए इसमें और इसको मिला दीजिएगा। अब आप इसका टेस्ट लेंगे ना। देखिए, वैसे भी 2-5 ग्राम इमली हर आदमी को खानी चाहिए, शरीर के लिए बहुत अच्छी है। तो आप इसको थोड़ा सा सब्जी में या किसी स्वाद में या खाते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई आपको नुकसान होगा। और हाँ, अगर किसी का गला बहुत सेंसिटिव है, उसका गला हल्की सी भी कोई चीज खा के पकड़ता, तो इमली ना खाए भाई। हमारी तरफ से तो ये है कि इमली अच्छी है, सेहत के लिए भी अच्छी है और आपके लिए भी अच्छी, और स्वाद बनाने का तरीका ही बहुत बढ़िया है। इसको आप अरहर की दाल में डाल के खाइए, इस इमली को आप इसको पकौड़ों के साथ खा सकते हैं। हाँ, मुंह में पानी आ गया है। आप चाहे दाल में डाल, कोई भी दाल डालिए, छोले बनाए आपने छोले में डाल दीजिएगा, कमाल की चीज। तो कैसे बनती है इमली की चटनी हमने आज आपको बताया। आप इसका प्रयोग कीजिए, बनाइए घर में और अपने मेहमानों को खिलाइए, अपने परिवार को खिलाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा लक्ष्य यही है कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी दें, उनका शरीर स्वस्थ रखें, और जीवन में और क्या चाहिए, ना कुछ साथ लेके जाना है ना कुछ साथ लेके जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को अच्छी जानकारी देकर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।